हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज जो गाड़ी हम टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं वो नेदरलैंड्स की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स है ईवी में। जल्दी से करते हैं नाश्ते की तैयारी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ब्रेकफास्ट तैयार है, कॉफी चेक, राइस केक चेक, और टाइम है मेरे पास 5 मिनट का। लेट्स गेट दिस डन। हाँ, तो निकल पड़े हैं, पूरे 15 मिनट बचे हैं वैसे अभी जो अपॉइंटमेंट था उसमें, और करीब ड्राइव है 12-13 मिनट की, तो आई थिंक वील बी एग्जैक्टली ऑन टाइम। और सबसे मजे की बात यह है कि आज मैं बैठा हूँ पैसेंजर सीट पे और गाड़ी चला रही है अमिता जी। एकदम बढ़िया। अभी इसने नया नया लाइसेंस लिया है नेदरलैंड्स का, तो ये ऐसे छोटे छोटे राउट पे प्रैक्टिस करती रहती है, तो सही रहता है। और मैं भी, मेरे को ज़्यादा आदत नहीं है क्योंकि मैं कहीं भी गाड़ी होती है, चाहे मैं इंडिया भी जाता हूँ चाहे यहाँ पर भी, तो मुझे ड्राइव करना बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा ड्राइवर सीट पे रहता हूँ। लेकिन पैसेंजर सीट का भी मज़ा थोड़ा अपना अलग है, थोड़ा ऐसा ठाट वाट लगता है कि अच्छा सही है, ड्राइवर साहब जरा गाड़ी ढंग से चलाओ ऐसा। तो MGZS वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम अभी एक नई गाड़ी की तलाश में हैं, क्योंकि जो हमारी अभी ये जो लाल परी है होंडा सिविक, ये पुरानी भी हो गई है और अभी थोड़ा विचार चल रहा है इसको निकालने का। और हमने सोचा अब नई गाड़ी लेनी है तो ईवी ही देखी जाए। ऑल्दो ऐसा कुछ फाइनल नहीं है कि इलेक्ट्रिक कार ही खरीदनी है या 100% इलेक्ट्रिक वाली ही खरीदनी है, बट एटलीस्ट हम थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं जो मार्केट में अच्छी बिक रही हैं। तो आज जो गाड़ी देखने हम जा रहे हैं या टेस्ट ड्राइव करने, उसका वो है किया ई नीरो, वन ऑफ दी लेट्स से गुड सेलिंग कार्स है मिड सेगमेंट में, मिड रेंज में कह लो, क्योंकि उससे ऊपर तो फिर अगर जिनको टेस्ला लेनी होती वो तो फिर नीचे वालों की सोचते ही नहीं है। ईवी व्हीकल में जो है अभी गवर्नमेंट की सब्सिडी चालू है, सो 2022 में जो सब्सिडी मॉडल है वो अगर आप ब्रांड न्यू कार लेते हो तो 3350 यूरोज आपको गवर्नमेंट वापस देती है, और अगर आप सेकेंड हैंड कार लेते हो तो 2000 यूरोज गवर्नमेंट आपको वापस देती है। बेसिकली एक प्रमोशन है टू गो फॉर एन इलेक्ट्रिक कार, ताकि वो एनवायरमेंट के लिए बेटर रहे। और जो कैप है फॉर अ ब्रांड न्यू कार वो 45,000 यूरोज है, तो अगर उससे कम प्राइस की होगी तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी। यार अमिता, तू यार गाड़ी खूब सारी चलाया कर, वैसे मेरे को पैसेंजर सीट पे बैठ के रिकॉर्डिंग करने का मजा अलग आ रहा है, पता है, सीरियसली। तू कर यार ड्राइविंग ज्यादा से ज्यादा, नई गाड़ी ले लो फिर। ओके चल ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द रूफ, इस वाली गाड़ी में जो लाइटिंग है वो फ्रंट पैसेंजर्स के लिए ही है, बिकॉज द रूफ ओपन्स अंटिल हाफ, और जो MGZS थी उसमें पूरा पीछे तक लाइटिंग था, तो द ओवरऑल लाइटिंग ऑफ द कार इज मच बेटर इन डे टाइम इन दैट वन। ओवरऑल मैं ड्राइव फील की बात करूँ तो इसकी स्टेयरिंग मुझे ज़्यादा स्टर्डी लगी और ज़्यादा मुझे मज़ा आया गाड़ी चलाने में। कंट्रोल्स मोर और लेस सेम है, आपके वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं और फ़ोन कंट्रोल्स हैं और स्क्रीन के थोड़े बहुत कंट्रोल्स हैं। अगर स्क्रीन की मैं बात करूं, सो स्क्रीन मुझे इसकी ज़्यादा अच्छे से फिट लगी, क्योंकि ये पूरे डैशबोर्ड में एक तरीके से अच्छे से फिटेड है और बहुत अच्छी फील देती है। एंड ऑल्सो यहाँ पे थोड़े प्रैक्टिकल कंट्रोल्स हैं, सो इन वन बटन क्लिक हीटिंग की हीट चालू कर सकते हैं, एंड ये नॉब उसमें भी सेम था, सो रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड एंड ड्राइव मोड। यहाँ पे आपकी USB पोर्ट है, ये एक चार्जिंग पॉइंट है, ये आपका 12 वोल्ट का चार्जर हो गया, यहाँ पे अंदर वायरलेस चार्जिंग है, ऑल्सो देर इज अनदर चार्जिंग पोर्ट हेयर, ये रहा एक और चार्जिंग पोर्ट। सो स्पेस के हिसाब से ओवरऑल अच्छी है, बट इसकी जो ओवरऑल फिनिश है गाड़ी की एंड जो ड्राइविंग है मुझे ज़्यादा बेटर लगी और ज़्यादा मज़ा आया ये गाड़ी चलाने में। कप होल्डर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लुक एट दिस, एंड यू जस्ट क्लोज इट लाइक दिस। मुझे गाड़ी चलाते टाइम म्यूजिक सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल लव दैट। सो इसमें इनबिल्ट आपको JBL के स्पीकर्स मिलते हैं, क्योंकि ये टॉप एंड वर्जन है तो इसमें इनबिल्ट हैं JBL के। आई नीड टू चेक कि जो इससे नीचे वाले वेरिएशन है उसमें क्या फीचर्स आते हैं। हम बैठे हैं पैसेंजर सीट पे अभी, बैक सीट पे, एंड देखने पे तो लग रहा है कि काफ़ी कंफर्टेबल है,
सो मेरी हाइट वैसे शशांक से थोड़ी कम है, इसलिए मैं तो हर जगह कंफर्टेबल ही आ जाती हूँ, बट आई कैन स्टिल सी कि कोई लंबा आदमी है तो भी वो बैठ पाएगा आराम से. देन वी हैव अ कप होल्डर यहाँ पे, बीच में दो कप होल्डर्स हैं, यू कैन यूज इट एज अ आर्म रेस्ट, सो ये काफ़ी कंफर्टेबल. इसे बंद कर देते हैं. सो पीछे आपके ये एसी वेंट्स हैं. देन इसमें सबसे बढ़िया बात है, पीछे बैक सीट्स पे भी हीटिंग है, सो यू हैव सीट हीटिंग फॉर द बैक सीट्स ऑल्सो. ये बहुत ही कम कार्स में मिलता है. ये एग्जीक्यूटिव लाइन है, सो ये ई नीरो की टॉप एंड वर्जन है. बूट की जहाँ तक बात करें, बहुत ज़्यादा मेरे को बड़ी नहीं लग रही है, जो अगर मैं MG ZS से कंपेयर करूँ तो शायद थोड़ी छोटी बूट है. ऑल्दो उन्होंने थोड़ा सा एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए एक ही यहाँ पे अंडर द बूट आप कह लो थोड़ा सा स्पेस दे दी है, ताकि आप छोटा मोटा सामान यहाँ पे डाल पाएँ. अदरवाइज मेरे ख्याल से दो या तीन छोटी अटैचियों के लिए इट्स सफिशियंट. सो ये है इसकी स्क्रीन, जिसका रिस्पॉन्स मतलब टच रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी अच्छा है. एंड हम लोग अभी नेविगेशन पे वापस किया का एड्रेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं. Rechts nemen en vervolgens links afslaan. इसमें तीन ड्राइव मोड है, नॉर्मल, स्पोर्ट एंड एको. तो एको में आपको जो है वो इकोनॉमिक है बेसिकली, तो आपको सबसे ज्यादा ड्राइविंग रेंज मिलेगी. बट नॉर्मली नॉर्मल मोड पे आई थिंक इट इज अराउंड 400-420 किलोमीटर. सो टेस्ट ड्राइव हो गई है खत्म, और ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा था. जो एग्जैक्ट लेट्स से जो बूट स्पेस है, टच स्क्रीन कितनी बड़ी है, रेंज कितनी है, ये सब हम बातें बाद में करते हैं, थोड़ा डेटा रिलेटेड. अमो तेरे को कैसी लगी है गाड़ी? आई थिंक मुझे इसकी फील थोड़ी ज़्यादा बेटर आई, मतलब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इंटीरियर्स वगैरह ज़्यादा पसंद आया. ऑफ कोर्स मैंने उतनी ड्राइव नहीं की तो मुझे ड्राइविंग एक्सपीरियंस उतना नहीं पता, बट आई थिंक ओवरऑल फील इसका मुझे ज़्यादा. ओके, सो लेट्स से एज अ पैसेंजर यू एंजॉयड सिटिंग इन दिस कार मोर. यस. ओके, तो टेस्ट ड्राइव करने के बाद घर वापसी हो चुकी है, और जैसा कि मैंने बोला था थोड़े से नंबर्स की बात कर लेते हैं. तो जो बूट स्पेस है वो अराउंड 451 लीटर्स की है, एंड अगर आप सीट्स को फोल्ड करते हैं तो यू गेट अराउंड 1400 लीटर्स ऑफ कैपेसिटी. उसके अलावा जो बैटरी है वो 64 किलोवाट आवर की है, एंड द ड्राइविंग रेंज इज अराउंड 455 किलोमीटर. एंड वहाँ पे हम डीलरशिप पे जब बैठे थे तो हमने थोड़ा प्राइसेस और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करी, तो पता चला कि 2022 के समर में एक नया किया ई नीरो का मॉडल आने वाला है. And this is how it looks like on the website. So this is the photo that is available on the Kia website for the 2022 model. And this looks a very good upgrade compared to the current model. So iske liye we will definitely wait until the summer. Kyunki ye naya jo model hai ye summer mein aayega, main definitely iski test drive karna chahunga. And then uske baad decide karunga whether I want to buy that or not. एंड नॉर्मली क्योंकि ये नई गाड़ी आएगी समर में, तो आई एम एक्सपेक्टिंग 3-4 महीने की क्यू रहेगी. तो अगर मैंने ये गाड़ी बुक करी तो हमें डिलीवरी शायद अक्टूबर नवंबर के आसपास मिलेगी. तो तब तक के लिए जुगाड़ चालू रहेगा और खोज जारी रहेगी टू फाइंड अनदर व्हीकल, क्योंकि अब मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है ये होंडा सिविक को निकालने का और एक दूसरी गाड़ी लेने का. तो मेरी जो सर्च है वो जारी है, और मैं देखता जा रहा हूँ कि ऐसा कौन सा मॉडल है या कौन सी गाड़ी है जो लेट्स से या तो मैं टेम्पररली बाय कर सकता हूँ, एंड अनटिल आई फाइनलाइज द एक्चुअल कार और द एक्चुअल व्हीकल दैट आई वांट टू बाय. मैं प्लग इन हाइब्रिड के ऑप्शंस भी देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं 100% ईवी ही चाहता हूँ, बट हाँ अगर 100% ईवी वाली कोई बढ़िया गाड़ी मिल गई या प्लग इन हाइब्रिड मिल गई तो डेफिनेटली वही प्रेफरेंस रहेगी. सो खोज जारी रहेगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब दबा दीजिए. हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें.